संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिकड़ समाचार से। जमीनी विवादों को लेकर अक्सर खबरें बनी रहती हैं, सुर्खियां बनती रहती हैं और जानलेवा हमले एक दूसरे पर लोग कर देते हैं। इस बार फिर से एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वीडियो दिखाने जा रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है तेजधार हथियार से, और वीडियो में ये सब उस महिला ने कैप्चर किया है। हैरानगी की बात यह है कि तेजधार हथियारों से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन महिलाओं की दाद देनी होगी कि ये शूट कर रहे हैं, और उसमें जो तेजधार हथियारों से हमला करने वाले लोग हैं वो तस्वीरों में कैद हो गए हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इसकी जानकारी देते हैं कि ये मामला है कहां का और इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। तो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है कि एक शख्स जो है वो तेजधार हथियार से महिला पर अटैक कर रहा है। पहले तो हथियार लेने गया था, फिर वहां से आया और फिर मार रहा है, और इसके साथ वहां पर दो तीन और लोग दिख रहे हैं। ये मामला हम आपको बताएं, ये मामला मीरा साहब का है। अब मीरा साहब में एक जगह है चकशैया गांव, वहां की ये घटनाक्रम है, और वहां पर जानकारी है कि महिला को मारा जा रहा है। भूमि विवाद का मामला है, जमीन का विवाद है। इस पर विस्तार से जानकारी हमें देंगे हमारे साथ फोन लाइन पर नरेश कुमार है। नरेश जी। जी दीपक जी नमस्कार। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ नरेश जी, ये क्या मामला है? सर ये मामला है भूमि के विवाद को लेकर, इन्होंने महिला पर हमला किया और महिला को घायल किया सर। अच्छा ये सर मामला है मीरा साहब के गांव चकसिया गांव का है, जहाँ पे इनका जमीनी विवाद चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच, उसी को लेकर। पुराना जमीनी विवाद? हाँ जी हाँ जी, ये पुराना जमीनी विवाद है सर। कोई एफिडेविट लेके कोई जमीन दी गई थी। अच्छा। जहाँ पे वो विवाद है, और ये गेहूं के वहाँ पे फसल पे कब्जा करने में महिला ने इनको रोका। महिला ने, आपने वीडियो में भी देखा होगा, महिला रोक रही है, वो गाड़ियां निकाल रहा है, फिर क्या गाड़ी के लिए हथियार लेके आया, महिला को मारा, महिला की पड़ी। आपने भी देखा होगा फुटेज में, भी देखा होगा वीडियो आई है। जी जी ये महिला का नाम है
महिंदर कौर निवासी चक छैया पत्नी पत्नी ने जगदीश सिंह जिसने मीरा साहब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी दर्ज करवाई है। एक सुरेंद्र सिंह है, पुत्र मक्खन सिंह है और दूसरा हरजिंदर सिंह उर्फ रिंकू, ये पुत्र सुरेंद्र सिंह है, कुलवीर सिंह और पुत्र मक्खन सिंह। जो तेजधार हथियार से अटैक करा उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर हरजिंदर सिंह रिंकू। रिंकू रिंकू हाँ जी हाँ जी रिंकू। अच्छा। इसके रिगार्डिंग पहले भी मामले दर्ज है। इसमें रिंकू ये पुलिस कर्मी है। अभी मेरे हिसाब से जो हमें जानकारी है कि सस्पेंड चल रहा है रिंकू, ये इसमें आरतपुरा में एक उद्योगपति को महिला के साथ के पिछला में उसके ऊपर जाली केस भी हुआ है रिंकू। अच्छा जी, मतलब ये हैप्चुअल है। जो गरीब लोग हैं, जो लाचार जिनके पास जमीन है, जो ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको कोई धमका धमकू जमीन कैप्चर करता है। मैं भी ऐसा भी हो सकता है सर, क्योंकि ये पुलिस में था, इसके खिलाफ काफी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पीछे पुलिस ने पीछे इसका लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था, भगोड़ा भी घोषित किया गया था। अच्छा, भगोड़ा भी है ये? हाँ जी हाँ जी, लुकआउट नोटिस के इसके पेपरों में भी फोटो लगे थे, लुकआउट नोटिस भी रजिंदर सिंह रिंकू का जारी किया गया था। अच्छा जी, पुराना जमीन को लेकर विवाद था तो महिला को मार, महिला बच गई कि जान से मार दिया उन्होंने? महिला घायल है सर, उसका उपचार नॉर्मली उसको लगी है। आपने देखा होगा जिस तरह से अगर हथियार लेके निकला था उससे तो यही लग रहा था कि महिला को ये जान से मार देगा, पर महिला को लगी। उसके बाद महिला ने कंप्लेन दर्ज कराई है, पुलिस ने इसमें कई मामला दर्ज किया है। एफआईआर नंबर 28 अंडर सेक्शन 354/523 आईपी एक्ट 4/25 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इसमें सुरेंद्र सिंह और कुलवीर सिंह को हिरासत में, सुरेंद्र सिंह और कुलवीर सिंह को हिरासत में ले लिया, और जो रिंकू है वो फरार है हरजिंदर सिंह। अच्छा, इसमें तीन चार बंदे दिख रहे थे, चार पांच थे शायद? हाँ जी हाँ जी, तो सुरेंद्र सिंह और जो है कुलवीर सिंह के दोनों पुत्र मक्खन सिंह है, और ये हरजिंदर सिंह रिंकू ये सुरेंद्र सिंह का बेटा है। अच्छा, ये उनका बेटा है? जी जी। हाँ, तो महिला, ये एक महिला खुद वीडियो बना रही थी? हाँ सर, महिला खुद ही बना रही थी, जो आपने वीडियो हमारे पास आई, आपने देखा होगा वीडियो में, महिला फोन वो पहले बाहर के दिया, फिर आया उसने मारा, फोन नीचे गिर गया, उसने वीडियो चल ली थी, फिर उसने भागा, फिर हथियार से पर्ची दायित्व को लेके आया था जिसके साथ उसने मारा, और दो बुजुर्ग भी थे साथ में, उसके एक बाप था एक चाचा था, उन्होंने भी हमला के डंडे पकड़े, हाथियाँ पकड़ी हुई थी आपने। अच्छा जी जी, और इसमें थाना प्रभारी मीरा साहब भूपिंदर सिंह जी ने बताया कि इसमें दो लोग हिरासत में है और तीसरे के लिए भी छापेमारी कर रही है, दूसरों को पकड़ने के लिए भी छापेमारी चल रही है। हाँ जी हाँ जी, जो एक फरार है इनको। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी जी, तो ये देखें रिंकू सिंह फरार है, पहले भी कई इस पर मामले दर्ज हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये हैप्चुअल है, लेकिन ये पुराना जमीनी विवाद था और महिला अभी ठीक है। तो अब लेकिन ऐसा लग रहा था जो वीडियो है उसमें ऐसा लगता है कि जान से मारने की कोशिश है, जान से मार ही दिया है, जिस तरह से वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो मामला हैरान करने वाला था। लेकिन महिला की भी दाद देने की जरूरत है कि महिला शूट करती रही, क्योंकि सबूत ना होने की वजह से कई बार लोग बच जाते हैं, एविडेंस कहाँ से लाएं? और ये वहां पर जाकर यही लोग पहले हो सकता पुलिस स्टेशन में बैठ जाएं कि देखें जी उन्होंने हम पर अटैक किया है, पुलिस को क्या पता किसने अटैक किया क्या किया। महिलाएं जो है वो थोड़ा सा अब बातों को समझने लगी हैं और एविडेंस भी बना लेती हैं, ये बात जरूर है। और ये दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।